आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ सब लोगों से। मेरा नाम जगदीप है, जगदीप है। मुझे प्रदीप जी जो गुरु जी है मेरे, जिसको मैंने कुछ एक साल से बनाया है, 1.5 साल हो गए हम सारी बातचीत हो गए। लेकिन मुझे गुरु जी का एक बात बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा कोई आदमी मिला है, ऐसे कोई गुरु मिले हैं जो सब कुछ जानता है। मेरी जिंदगी में कई परेशानियां आई हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं मेरे लाइफ में, लेकिन जब से गुरुजी का साथ मिला है तो बहुत आश्वासन मिला है मुझे, मेरे परिवार वालों को। बहुत ही बड़े बड़े पैमाने के गुरुजी हैं। मैं YouTube में एक दिन लॉकडाउन में जस्ट चेक कर रहा था बहुत सी चीज़ें, उसमें से सबसे बढ़िया जो चीज़ें बताती, जो सच्चाई कड़वी होती है बोलते ना, वो सच्चाई हमारे गुरुजी प्रदीप जी ही बोल सकते हैं। इनकी सच्चाई ऐसी रहती है कि कोई सपनों वाली बात नहीं रहती है। हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि अपना जो ABCD नहीं करेंगे तो फिर 10th कैसे क्लियर हो जाए। वो वाली बात है प्रदीप जी की। किसी को झूठा आस नहीं, किसी को कुछ नहीं, जो है सच्चाई। आग में कूदना है तो आग में आग, गर्मी तो लगेगी, ठंडा पानी का ठंडापन नहीं मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है कि मेरे परिवार में मेरी माँ के लिए मैंने एक बार गुरु जी को बोला था कि एक बार उसकी कुंडली देखें, लेकिन अचानक सोमवार के दिन में कुछ अपॉइंटमेंट मिला मुझे, विकास भाई ने दिया मुझे। लेकिन उस दिन मुझे पता चला, उस दिन मैं पुस्तक सब लेके बैठा था कि ये सोच कर कि कुछ दान बीन बोलेंगे या फिर ग्रह नक्षत्र की बात करेंगे ये, क्योंकि ज़्यादातर वो कुंडली देखते तो यही बात आती है। लेकिन उस दिन पता चला मुझे कि प्रदीप जी बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, ये सब पंडितगिरी नहीं करते, ये एकदम बोलते ना रेमेडीज नहीं करते, ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी। मुझे लगता है कि एक हॉस्पिटल खोलने लायक हैं ये। जिस तरह से दवाइयों का नाम लिया है मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, मैं हैरान हो गया हूँ कि कुछ भी चीज़ पूछो कुछ भी जवाब है इनके पास। ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका जवाब नहीं है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि प्रदीप जी एस्ट्रोलॉजर प्लस एक अच्छे खासे डॉक्टर भी है। मेरी गुजारिश है कि प्रदीप जी से कि बैठने के कैपेसिटी के ऊपर भी उन्होंने बताया है। मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में एक वीडियो, ऑडियो या वीडियो कोई भी हो, एक मेडिसिन के ऊपर भी हो आपकी तरफ से, जिसको गैस हो, जिसको एसिडिटी हो, छोटा मोटा तो बता ही दो, घर की नुस्खे आप बता सकते हैं अच्छी तरह, और कौन सा चीज़ करना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके ज़िंदगी में आने से मेरे को बहुत फ़र्क मिला है, बहुत ही मेरे को प्रेरणा मिली है कि कुछ मैं आगे बढ़ पाऊँ। और प्रदीप जी, बस आपका हाथ सर पे रहना, और मैं तो चाहता हूँ कि सारे जो मेम्बर्स हैं, प्रदीप जी से को जरूर बोलिए कि एक शिविर कंडक्ट कीजिए, जिसमें हम लोग सब लोग मिलकर आके मिल सके, आपसे कुछ सीख सके। कुछ चीज़ें जो चीज़ हम अकेले में बैठ के पागलों के माफिक करते, शायद गलतियाँ होती हैं अनुष्ठान में, क्या पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन अगर आपके सानिध्य में कुछ हो जाए, कुछ छोटा मोटा एक दिन का ही रख ले, तो सारे भक्तजन आपके उधर एक बार आ जाए। ये मेरी तरफ से नहीं है, हम सब भक्तों की तरफ से है। तो गुरु जी एक दिन शिविर करना ही लीजिए आप, क्योंकि तो अभी वो टाइम आ गया है, अभी ज़्यादा वक्त मत कर लीजिए। इतना तो शंकर भगवान भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप तो जल्दी प्रसन्न होइए हम पर, प्लीज़ सर।